इंडियन एक्ट्रेस स्नेहा वैग, जो कि ज़्यादातर हिंदी और मराठी टीवी सीरियल्स में काम करते हुए दिखाई देती हैं, यस गाइस, उनका बहुत ही जल्द कलर्स टीवी पर एक न्यू सीरियल निंजा एक नई पहचान शुरू होने वाला है, जिसमें वो प्रतिमा के रोल में एक्टिंग करते हुए दिखाई देने वाली हैं। सो गाइस, ये वीडियो स्नेहा वैग की लाइफ स्टाइल के रिलेटेड होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्नेहा वैग के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को मजीद लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्ट्रेस और मॉडल स्नेहा वैग, जिनका निकनेम स्नेहा है, वो 4 अक्टूबर 1987 को कल्याण महाराष्ट्र में पैदा हुई, जबकि साल 2023 के अकॉर्डिंग अगर उनकी करंट एज की बात करते चलें तो उनकी करंट एज 35 ईयर्स ओल्ड है। इंडियन नेशनैलिटी और हिंदू रिलीजन रखने वाली स्नेहा वैग के अगर फिजिकल स्टेट्स की बात की जाए तो उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, जबकि वो बहुत ही खूबसूरत ब्लैक आइज रखती हैं और उनके हेयर्स का कलर ब्लैक है और डेफिनेटली उनके फैंस जानते हैं कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर रखती हैं। स्नेहा वैग, जिनकी हॉबीज में रीडिंग और पेंटिंग करना शामिल है, वो फूड हैबिट से नॉन वेजिटेरियन है। अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्कूल की एजुकेशन होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल कल्याण महाराष्ट्र से हासिल की है, जबकि उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बिरला कॉलेज कल्याण महाराष्ट्र से हासिल की है, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया है। मोरोवर, स्नेहा वैग ने फिल्म मेकिंग का कोर्स लंदन फिल्म एकेडमी से किया है। चलिए गाइस, अब जान लेते हैं स्नेहा वैग की फैमिली के बारे में। तो उनके फादर का नेम गणेश वैग है, जिनकी साल 2021 में कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हुई, जबकि स्नेहा वैग की मदर का नेम दामयंती वैग है। सिबलिंग्स में स्नेहा वैग की एक सिस्टर है जिसका नेम कृतिका वैग है। स्नेहा वैग, जो कि अपने रिलेशनशिप की वजह से हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रही हैं, जी हां गाइस, रूमर्स के अकॉर्डिंग वो एक्टर वरुण खांडेलवाल और फैसल खान को डेट कर चुकी हैं और मैरिटल स्टेटस से स्नेहा वैग डाइवोर्स्ड हैं। जी हां गाइस, उनकी फर्स्ट मैरिज 2006 को मराठी एक्टर आविष्कार धारवेकर से हुई, जिनसे उनकी 2008 में डाइवोर्स हुई, जबकि उनकी सेकेंड मैरिज 29 जनवरी 2015 को इंटीरियर डिजाइनर अनुराग सोलंकी से हुई, जिनसे उन्होंने मैरिज के 8 मंथ बाद ही डाइवोर्स ले ली थी। स्नेहा वैग, जिन्होंने 17 साल की उम्र से ही मराठी थिएटर प्लेस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपना मराठी टीवी डेब्यू 2004 में अधूरी एक कहानी से किया और उन्होंने अपना हिंदी टीवी में डेब्यू 2009 में ज्योति सीरियल से किया, जिसमें उन्होंने ज्योति शर्मा का रोल प्ले किया था। और स्नेहा वैग के दीगर नोटेबल सीरियल्स में एक वीर की अरदास वीरा, चंद्रशेखर, मेरे साईं, चंद्रगुप्ता मौर्या, काहट हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन नाम, तिहारो और उनका अपकमिंग सीरियल निर्जा एक नई पहचान शामिल हैं। साल 2014 में स्नेहा वैग ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट किया और 2016 में वो हिंदी म्यूजिक वीडियो प्योर पटोला में दिखाई दी गई थी। स्नेहा वैग ने साल 2021 में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस मराठी सीजन 3 में एज अ कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया, जहां उनके फर्स्ट हस्बैंड आविष्कार धारवेकर भी उनके को कंटेस्टेंट बने थे। स्नेहा वैग, जो कि एक वेल ट्रेन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, वेल गाइस, अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो वो स्टार परिवार और द नूर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। चलिए गाइस, अब जान लेते हैं स्नेहा वैग की नेटवर्थ और कास्ट कलेक्शन के बारे में। तो स्नेहा वैग की साल 2023 में टोटल नेटवर्थ लगभग 10 करोड़ है और कास्ट कलेक्शन में वो व्हाइट कलर की एक ऑडी A4 ऑन करती हैं। सो गाइस, ये थी स्नेहा वैग की मुकम्मल लाइफस्टाइल और बायोग्राफी। आपको स्नेहा वैग कैसी लगती हैं और आप उनके अपकमिंग सीरियल निर्जा एक नई पहचान के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।